सो वेलकम बैक हम आज करने वाले हैं ज्योमेट्री इन वन अगर अभी तक तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है अगर बड़ा भी होगा तो जो कुछ भी तुम्हारा डाउट होगा अगर तुमने नहीं पढ़ा नहीं समझ में आया है सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो देखो हमारा बेसिकली पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला तो यहां पर देखो हमने एक पॉइंट लिया है ए और एक पॉइंट लिया है बी हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला क्या होगा बोलो तो तुम जानते हो जो डिस्टेंस का फार्मूला फॉर्मूलाइनसन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अच्छा इस फार्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो देखना यक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होली स्क्वायर ऐसा लिख पा रहे हैं कि देखो इसमें देखो ब्रैकेट में या तो तुम्हारा प्लस आए या तो माइनस आए दोनों का स्क्वायर होगा अल्टीमेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो या तो तुम x1 वन में से एक्स टू को घटाओ या एक्स टू में से एक्स वन को घटाओ बात आएगा बराबर अब यहीं पर एक फार्मूला ऐसे पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अब देखो ओरिजिन से हम कुछ ऐसा सीन तुमको समझा देते हैं देखो अपना ये है ठीक है यहां पर सपोज कोई point है इस point P को हमने नाम दिया एक्स वाई और यहां पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कमा जीरो तो डिस्टेंस हमारा जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है ठीक है सपोज इसका नाम दे देते हैं हम ओ तो ओपी पूछ रहा है ओपी तो ओपी क्या होगा देखो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी क्या होगा स्क्स का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल तो एक फार्मूला अपना ये निकल के आया ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तुमको सिंपली याद रखना है प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में और अगर आपको डिस्टेंस का फार्मूला जनरलाइज वे में अगर आपको बात करना है तो अब तुम क्या बोलोगे ए वाला फार्मूला ठीक है तो ये हमारे दो फार्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चलो अब अगर यहीं पर एक क्वेश्चन में ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर तुम एकस एकस अगर तुमको एक्स एक्सिस एक्सिस और वाई पर कोई पॉइंट लेना हो तो क्या लोगे इसकी बात कर लेते हैं ए तुम्हारा ये तुम्हारा वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस अब एक्स एक्सिस पे, पे पॉइंट लेना है भाई तो एक्स के घर में जा रहे हो तो वाई क्या होगा जीरो तो सपोज हम यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट तुम क्या लोगे एक्स का मां जीरो एक्स के घर में वाई तुम्हारा क्या होगा जीरो तो सिमिलरली वाई के घर में तुम्हारा एक्स क्या हो जाएगा जीरो तो जीरो का क्या लिखोगे वाई देखो पहले जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है पहले एक्स वाला लिखा जाता है उसके बाद वाई वाला तो यक्स में जाओगे तो वाई क्या हो रहा होगा जीरो हो रहा होगा जब ऊपर जा रहे हो तो वाई में तो यक्स क्या हो रहा हो जीरो क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल तो चल ही नहीं रहे हो ठीक है यानी तुमसे अगर एक्सिस एक्स पे कोई पॉइंट अगर बात करेगा क्वेश्चन में तो तुम पॉइंट क्या लोगेक्स का मां जीरो और वाई एक्सिस पे अगर तुमसे पॉइंट पूछता है तो पॉइंट क्या लोगे जीरो का मां वाई इस बात को तुमको याद रखना है समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में हम अभी काम में लेंगे इसको देखो कुछ नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाडी लेटरल तुम देख लो एक बार पढ़ सकते हो अब तुम देखो देश का बच्चे बच्चा जानता है रेक्टेंगल के बारे में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल भी क्या होंगे इसके इक्वल होंगे स्क्वायर इस में इसके सारे साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल भी क्या होते हैं है, है, इक्वल है। होते हैं इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए पढ़ रहे हैं में क्या हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं चलो क्वेश्चन करते हमारा जो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A 7.3 एंड बी 10.9 तो, तो देखो इसको तुम ऐसे समझो ये तुम्हारा है x1 का मार्बल और ये है x2 का मार्बल y2 इसी के बीच का तुमको निकालना है डिस्टेंस बोलो कौन सा फार्मूला लगाओगे d इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ठीक है अब यहां से देखो एक्स टू तुम्हारा दस है तो दस में से सात को घटा दो वाई टू नौ है नौ में से तेरह को घटा दो दस में से सात घटाया तीन का स्क्वायर नौ में से तेरह घटाओगे कितना आएगा माइनस चार का स्क्वायर तो हम यही बोल रहे थे देखो अगर माइनस आता है ना तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा चार का स्क्वायर सोलह तो सोलह नौ क्या होगा पच्चीस बाहर निकलेगा तो पांच ठीक है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा पांच यूनिट ठीक है तुम देख भी सकते हो फाइव यूनिट आपका आंसर आ रहा है समझ में आ रहा है तो हमको डिस्टेंस फार्मूला ये याद रखना है कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई, वाई वन का होल स्क्वायर और उसका क्या लेना आपको स्क्वायर रूट ले लेना है चलो आगे बढ़ते हैं अपना अग, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा एंड क्यू ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा तो इस वाले को हम क्या बोल देते हैं इसको बोल दो एक्स टू का वाई टू डिस्टेंस फार्मूला लगा लो एक्स टू माइनस एक्स वन फार्मूला नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा तुम्हारा वाई टू माइनस वाई वन तो माइनस ए साइन अल्फा याद इधर से हो जाएगा माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर ठीक है चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस क्या होगा टू ए बी तो टू ए स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अब प्लस में सेकंड टर्म का लिखते हैं इस वाले का ठीक है इसका सभी माइनस वाले है ना देखो ए भी माइनस और ए भी माइनस तो अगर माइनस को बाहर लाओगे ना तो एक तुम्हारा क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो यहां से देखो क्या होगा ए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में देखो क्या होगा टू ए स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा देखो इसमें दोनों टर्म माइनस हैं तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सप्रेशन जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा प्लस में आ जाएगा ठीक है तो ए प्लस वाले से माइनस वाले को काट दो बाकी देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहां पर देखो कितना बार आ रहा है दो बार और ए भी साइन वाला भी कितनी बार आ रहा है दो बार तो यहां से हो जाएगा टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू एक हो जाएगा तो यहां से आएगा अंडर रूट में केवल टू ए स्क्वायर और ए बाहर जाएगा तो हो जाएगा ए रूट टू यूनिट समझ में आया इतना इतना समझ में आया तो यहां पर आपको एक फार्मूला याद रखना है कि एस यहां पर साइन स्कोर अल्फा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना होता है वन आप पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्सिस अब जब भी बेटा वाई एक्सिस पे पॉइंट की बात करें तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए जीरो का माई तुमको पॉइंट लेना है तो अब बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज विकवी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट माइनस फाइव कमा मू एंड नाइन कमा माइनस टू आपका फ्रॉम तो अब देखो अगर वाई एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया सपोज जीरो कमा माई तो दो पॉइंट दे रहा है आपको एक पॉइंट दिया माइनस फाइव कमा मू और दूसरा पॉइंट दिया नाइन का माइनस टू तो हमको यहां पर बेसिकली वाई का वैल्यू फाइंड करना है ठीक है क्या करेंगे बोलो तो इसके लिए तुम क्या करोगे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और दोनों देखो पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंट है यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर देना बस है बस आसान है क्वेश्चन आपका बन जाएगा तो इस वाले पॉइंट को तुम ओ दो इसको ए नाम दे दो इसको बी नाम दे दो तो बेसिकली तुमको करना क्या है यहां पे ओ इक्वल टू क्या कर लेना है ओ बी डिस्टेंस फार्मूला हमको क्या करना है इक्वेट कर देना है तो यहां से देखो क्या मिलेगा ओ ए देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो जीरो में से पांच को घटाओ अंडर रूट में लिख रहे हैं तो जीरो प्लस पांच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर वाई माइनस टू बन जाएगा ना इधर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर क्वल टू अब इस वाले में जीरो माइनस नौ का होल स्क्वायर है बात समझ में और यहां पर तुम क्या लिख लो वाई माइनस है ना तो वाई प्लस क्या हो जाएगा टू हो जाएगा वाई प्लस टू का होल स्क्वायर अब दोनों साइड का हम क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा तो पांच का स्क्वायर तुम्हारा सिंपली पच्चीस हो जाएगा और इधर से बन रहा है वाई माइनस टू का होल स्क्वायर नौ का स्क्वायर कितना होगा इक्यासी हो जाएगा और इधर से बच रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको ऐसे रहने दो इधर से देखो वाई स्क्वायर दो का स्क्वायर चार और माइनस कितना होगा फोर वाई इक्यासी रहने दो वाई का स्क्वायर यहाँ पे होगा दो दू, दूनी चार और प्लस में कितना हो जाएगा फोर वाई ठीक है अब देखो इस प्लस चार से प्लस चार कट गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया चार वाई को इधर लेकर आओगे तो माइनस आठ वाई हो जाएगा और इक्यासी में से पच्चीस घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा छप्पन आएगा आठ से काट दो आठ सत्ते छप्पन तो वाई बराबर कितना आया माइनस का सात आया ठीक है भाई तो हमारा यहां पर जो आंसर बनने वाला है वो तो क्या होगा जीरो कामा माइनस सात होगा चेक करो क्या इतना आंसर तुम्हारा आया था देख लो भाई इतना क्लियर है कैलकुलेशन सबका फिट है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स सिक्स कामा माइनस सिक्स थ्री माइनस सेवन एंड थ्री तो हमको एक ऐसे सर्कल का सेंटर निकालना भाई साहब जो पॉइंट छ का मां माइनस छ थ्री का मा माइनस सेवन एंड थ्री का मा थ्री से क्या कर रहा है आपका पास कर रहा है तो चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सर्कल बन जा आपका सर्कल अब इस सर्कल का कहीं ना कहीं क्या होगा आपका एक सेंटर तो होगा अब हम उस सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कामा वाई ठीक है चलो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो आप एक्स कामा वाई इसको हम बोल देते हैं सी और ये हमारा जो सर्कल है तीन पॉइंट से पास कर रहा है एक वो को ए बोल दो दूसरे वाले को हमने बी बोल दिया और तीसरे को हमने चलो डी बोल दिया ठीक है ए है तुम्हारा सिक्स का मा माइनस सिक्स से पास कर रहा है बी है थ्री का मा माइनस सात से पास कर रहा है और डी है तुम्हारा थ्री का मा थ्री से पास कर रहा है देख लो ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कैसे इस की बात कर लो देखो यहां से तुम्हारा क्या है AC है इधर से तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा इधर सी डी हो जाएगा आपका क्या है C है, ठीक है अब ये सारे पॉइंट जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है रेडियस हैं, तो रेडियस होंगे तो सबका डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा तो हम यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे किनके किनके बीच में ए सी इक्वल टू बी सी कर दो और एक बार बी सी इक्वल टू क्या कर दो डी सी कर दो बहुत आसान है चलो कैसे तो हम यहां से लिख देते हैं देखना बी सी इक्वल टू हमने क्या कर देना है डी सी कर देना ये तुम्हारा सी है ठीक है बी सी इक्वल टू क्या कर दो डी सी कर दो और अगला तुम ये कर सकते हो ए सी इक्वल टू क्या कर सकते हो बी सी कर सकते हो हमारे पास अननोन एक्स और वाई हैं, दो अननोन है तो इक्वेशन कितने चाहिए दो चाहिए इसलिए हमने ऐसे किया तो बी सी इक्वल टू डी सी कर लो तो देखो क्या मानने वाला है तुमको बताओ BC में एक्स माइनस थ्री का क्या करोगे होल स्क्वायर तो यह हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा वाई माइनस माइनस सेवन है ना तो वाई प्लस सेवन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ठीक है स्क्वायर रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर करोगे फिर हट जाएगा स्क्वायर रूट एक्स को इस वाले में से अब लगाओ यहां से एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री हो जाएगा तो यहां से मिला x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर अब यहां से देखो एक्स माइनस थ्री इस वाले से पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है ठीक है तो मजा आ गया तो यहां से इसको एक्सपेंड करोगे ना तो वाई स्क्वायर सात का स्क्वायर उनचास में होगा सात और इधर करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ और माइनस में हो जाएगा तीन दूनी छ वाई तो इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया चौदह छह कितना हो जाएगा बीस वाई हो जाएगा ठीक है और उधर जाएगा ना तो नौ माइनस का उनचास बराबर होगा माइनस का चालीस तो बीस से चालीस को काट दो तो माइनस में दो आएगा तो वाई इक्वल टू कितना माइनस दो आ गया आया बात समझ में कर लोगे इतना अब अगला हमको जो करना है ए सी इक्वल टू क्या लगाना है बीसी लगाना है इस वाले में ना तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं चलो तो ए सी क्या लगाओगे x माइनस सिक्स होगा देखो सिक्स और वाई माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा तो वाई प्लस सिक्स देखो क्या बन रहा x 6 का y 6 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू और इधर जो तुम्हारा है ये वाला बीसी तो बीसी तुमने इधर लिखा ही है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर उसको भी लिख लो हो जाएगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर y प्लस सेवन का होल स्क्वायर ठीक है यही है मिला लो इधर से मिलेगा एक्स माइनस सिक्स का होली स्क्वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर से का होल स्क्वायर और वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर अभी तुमने सॉल्व किया कि जो वाई का वैल्यू आया है कितना आया माइनस का टू आया है तो जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर हम माइनस टू क्या करें पुट कर दें तो चलो एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस सिक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस सात का होल स्क्वायर अब यहां से माइनस दो से छह घटेगा चार और चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा ठीक है प्लस देखो माइनस दो से सात यानी पांच पांच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस हो जाएगा बाकी ये तुम अपना लिख लो ठीक है स्क्वायर करो दोनों साइड का तो एक्स स्क्वायर छः का स्क्वायर कितना होगा छत्तीस और छः दूनी कितना होगा बारह एक्स प्लस सोलह एक्स का स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो सिक्स एक्स हो गया प्लस में हो गया पच्चीस ठीक है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा बताओ माइनस छः इधर आएगा ना बारह की तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा और सोलह और छत्तीस कितना होता है फोर्टी टू होता है ना बयालीस तो बयालीस को उधर भेजो तो हो जाएगा माइनस बयालीस अब पच्चीस और नौ कितना होगा पच्चीस नौ शायद होगा थर्टी फोर तो बारह में से चार घटा दो आठ हो जाएगा ठीक है और इधर से क्या माइनस सिक्स एक कहीं मिस्टेक हुआ क्या पच्चीस न चौंतीस छः सॉरी ये बावन होगा ठीक है बयालीस नहीं क्या होगा फिफ्टी टू तो अब यहाँ पर तुम्हारा कितना आएगा माइनस का अठारह आएगा बारह में से चार जाएगा आठ और चार से तीन जाएगा ये अब माइनस छः से माइनस अट्ठारह को काटोगे तुम्हारा यक्स बराबर कितना आएगा प्लस का तीन आ जाएगा तो इस सर्कल का जो सेंटर भाई साहब सेंटर क्या आंसर आया थ्री कामा माइनस टू ये आपका क्या आंसर ठीक है अब देख लो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमको जो सेंटर मिल रहा है उसका वैल्यू आ रहा है थ्री का माइनस टू देख लो बोलो समझ में आया समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करें कर दें अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सो दैट द्वाइंट ए कमा माइनस ए का मा ए माइनस थ्री का माइनस रूट में है थ्री का ठीक है तो हमको देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि शो so कर दो कि माइनस ए का माइनस ए और माइनस रूट थ्री ए कॉमा रूट थ्री इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और उसके बाद हमको इसका क्या करना है एरिया फाइंड करना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारे साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो हमको यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा और ये देखना होगा कि सारे साइड का जो डिस्टेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो तैयार हो लगाया जाए चलो ए तुम्हारा ए है ए बी है और ए है सी ए का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा ए का मा ए बी का कोऑर्डिनेट है माइनस ए का मा ए C का कोऑर्डिनेट है माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री ए प्लस में तो हमको यहां पर पहले तो ये भी निकाल लो भाई ये भी क्या होगा रूट ओवर ए में से माइनस ए ए से माइनस ए घटाओगे तो प्लस ए हो जाएगा तो देखो ए प्लस ए कितना होगा टू ए का हो जाएगा होल स्क्वायर ठीक है ए में से माइनस ए घटाओगे फिर प्लस ए हो जाएगा तो ए ए कितना हो जाएगा टू ए हो जाएगा टू ए का होल स्क्वायर इधर मिल गया चार ए स्क्वायर ए भी होगा चार ए स्क्वायर यानी बन गया आठ ए स्क्वायर अंडर रूट में तो आठ का स्क्वायर रूट होता है टू रूट टू और ये आएगा आपका बाहर तो इसका साइड एक आ गया टू रूट टू ए यूनिट ठीक है उसी तरीके से BC अगर निकालना चाहो तो निकाल लो बी सी बताओ माइनस ए से माइनस अंडर रूट थ्री ये होगा तो प्लस हो जाएगा देखो सीधा लिख रहे हैं माइनस ए ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि ए तुम्हारा माइनस है और माइनस में से जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस ए और माइनस रूट थ्री है ना तो इसको तुम करोगे तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस होगा होल स्क्वायर अब यहाँ पर जब ए का स्क्वायर करोगे तो देखो ए का स्क्वायर मिलेगा रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा तीन ए स्क्वायर अब प्लस में क्या होगा माइनस टू ए बी ना तो यहां से लिख लो माइनस टू ए स्क्वायर रूट थ्री अब सेकंड वाले का माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर फिर उसका हो जाएगा तीन ए स्क्वायर और देखो माइनस में दोनों है ना तो जब टू ए बी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू ए स्क्वायर रूट थ्री अब इस वाले से देखो ये वाला टर्म तुम्हारा कैंसल हो जाएगा जोड़ोगे ना तीन ए स्क्वायर ए चार ए स्क्वायर चार तीन सात स्क्वायर यानी आठ ए स्क्वायर इसमें तुमको देखने को मिल रहा है तो इसका भी कितना आएगा टू रूट टू ए यूनिट ही आएगा देख लो और इसी तरीके से जब तुम ए सी निकालोगे ए सी तो देखो सेम यही हमारा इक्वेशन बनने वाला है ए सी जब निकालोगे देखो ए में से माइनस रूट तीन ए घटाओ तो देखो अंडर रूट में क्या बचेगा ए प्लस अंडर रूट थ्री ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए में से ए माइनस रूट थ्री घटाओगे तो क्या बनेगा ए माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर बन जाएगा चेक कर लो अब जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे भाई तो करने का कोई मतलब नहीं पीछे का इक्वेशन बन रहा ए स्क्वायर यहां से होगा तीन स्क्वायर टू ए स्क्वायर रूट यहाँ से ए स्क्वायर तीन ए स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा टू ए स्क्वायर रूट थ्री तो ए माइनस वाला प्लस को काट देगा अब करोगे आएगा आठ ए स्क्वायर और यहाँ से आएगा टू रूट टू एट यानी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया क्या कि जो ए बी है जो ए सी है और ये जो बी सी है ये तीनों का साइड क्या हो गया इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? फॉर्म कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं ठीक है एरिया बताओ इक्वीलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है अब हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल आ गया जिसकी साइड क्या है टू रूट टू ए टू रूट टू ए टू रूट टू अब इक्वलिएटर ट्राइंगल का एरिया जो होता है तुमने पढ़ा है क्लास एट्थ में क्या होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर तो रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर तो यहां से हो गया रूट थ्री बाई फोर साइड कितना है बोलो टू रूट टू ए का होल स्क्वायर अब जब टू रूट टू का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे रूट थ्री बाई फोर दो का स्क्वायर होगा चार रूट टू का होगा टू और इधर होगा ए का स्क्वायर ठीक है तो अब यहां पर रूट थ्री का जो होगा चार से चार को काट दो ठीक है भाई तो बोलो आंसर तुम्हारा क्या होगा टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट थ्री के साथ तो आंसर आएगा टू रूट थ्री ए स्क्वायर यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट लिख लो इसको ठीक है हो जाएगा स्क्वायर यूनिट ये तुम्हारा आंसर होगा इसको तुम चेक कर लो एक बार ठीक है तो तुम अपना आंसर यहां से मैच कर सकते हो अगर तुम्हारा भी आंसर टू रूट थ्री ए स्क्वायर यूनिट आया होगा तो आपका भी आंसर क्या है सही है एक बार देख लो जब भी तुमको इक्विलेटर ट्रायंगल देखने को मिले ना क्टर ट्राइंगल प्रूव करने को तो आपके दिमाग में यह बात क्लिक कर जाना चाहिए कि तुमको साइड क्या दिखाना होगा इक्वल दिखाना होगा बात नंबर एक और अगर एरिया पूछ रहा होगा तो तुमको यह बता देना है कि रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का क्या होगा स्क्वायर होगा ठीक है चलो ग्रेट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सो so दैट सो दैट द्वाइंट ए थ्री का मा फाइव सिक्स का मा जीरो सी ए का माइनस तीन और डी है माइनस टू का मा टू आर दी वर्टिसम को ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करना है यानी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी उसके स्क्वायर प्रूव करना है तो हम लोगों ने पीछे बात किया था स्क्वायर तभी होगा जब उसके चारों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे और दूसरा बात क्या है उसके डायगोनल भी क्या होंगे इक्वल होंगे तो चलो इसको हम कर लेते हैं तो अपने पास दिया क्या है देखो भाई एक स्क्वायर दिया है ठीक है स्क्वायर जैसा तो दिख नहीं रहा है दिखाते हैं चलो ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर का डायगोनल भी तो बना लें ए बना लो डायगोनल अब हमको सारा साइड और डायगोनल क्या दिखाना है इक्वल डायगोनल डायगोनल की इक्वल और साइड साइड इक्वल आता है तभी तुम्हारा जो इक्विलेट जो तुम्हारा एक क्वारेटरल बन रहा है वो क्या होगा स्क्वायर होगा तो हमको दिखाना क्या है देखो क्या शो करना है हमको शो करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है? डी ए बात नंबर वन दूसरा क्या प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी डी तुम्हारे क्या है डायागोनल है तो या तो डायागोनल इक्वल हो जाए या तो तुम्हारे क्या इक्वल हो साइड या तो नहीं दोनों होना पड़ेगा ठीक है दोनों को होना पड़ेगा इक्वल तो एक बार तुम खुद ट्राई करो तो हमारा जो पॉइंट ए है उसको भी मार्क कर लेते हैं ए है थ्री का फाइव बी है सिक्स का जीरो सी है वन का माइनस थ्री और डी है तुम्हारा माइनस टू का टू ये भी निकाला जाए देखो ये भी क्या होगा यक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कुछ भी करो तो देखो हम इस ए वाले में से ठीक है तीन, तीन से छह घटाओ तो कितना होगा तीन में से छह घटाओगे थ्री माइनस सिक्स का होल स्क्वायर पांच माइनस जीरो का होली स्क्वायर बताओ यहाँ से आएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर अब देखना तीन का स्क्वायर हुआ नौ पांच का स्क्वायर कितना होगा आ बोलो पच्चीस अब पच्चीस और नौ कितना होगा चौतीस तो यहाँ पे होगा रूट में थर्टी फोर यूनिट ठीक है बीस निकालो अब देखो में से हमको एक घटाना ना छह से एक घटाओगे तो कितना आएगा पांच का स्क्वायर बोलो आएगा बराबर अब जीरो से माइनस तीन घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां से मिलेगा जीरो प्लस तीन का होल स्क्वायर देखो इसको भी सॉल्व करोगे रूट में चौंतीस यूनिट ही आएगा पांच का स्क्वायर पच्चीस और तीन का स्क्वायर नौ चौंतीस आ जाएगा बीसी के बाद तुमको सी निकालना है फॉर्मूला लगाओ एक में से माइनस दो घटाओगे बोलो तीन आएगा तीन का स्क्वायर अब माइनस तीन से माइनस दो घटाओगे तो माइनस पांच का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा रूट में चौतीस यूनिट ही आएगा ठीक है अब अगला हमारा जो है एडी है तो माइनस से माइनस घटाया डी ये बताओ माइनस से माइनस तीन यानी माइनस पांच का होल स्क्वायर माइनस दो से अब दो से माइनस पांच घटा तो क्या होगा माइनस तीन का होल स्क्वायर यानी ये भी कितना आएगा रूट में चौतीस यूनिट ही आएगा तो इस तरीके से देखो हमने साइड को तो इक्वल प्रूफ कर लिया क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा एक स्क्वायर है बोलो या बोल सकते हैं अभी नहीं बोल सकते हैं क्यों क्योंकि अभी गारंटी नहीं दिया कि स्क्वायर है कि रोमबस है क्योंकि रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल और स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल भाई लेकिन एक चीज में अंतर है क्या डायगोनल तो इसके डायगोनल भी को लाने चाहिए तो चलो ए सी निकालते हैं अब ए सी देखो ए में से हम सी को घटा रहे हैं तीन में से एक घटाओगे तो कितना आएगा दो आएगा ना दो का स्क्वायर अगर पांच से तीन घटाओगे तो पांच और तीन आठ हो जाएगा तो आठ का स्क्वायर तो होगा दो का स्क्वायर चार आठ का स्क्वायर चौसठ अब बोले तो रूट में अड़सठ ई यूनिट एसी के बाद हमको बी डी निकालना है वो भी इतना ही आना चाहिए बताओ छ में से दो घटाएंगे ना तो माइनस दो घटाओगे तो प्लस दो हो जाएगा तो आठ का स्क्वायर और एक है जीरो में से माइनस दो घटाओगे तो क्या आएगा माइनस दो का होल स्क्वायर तो दिस विल बी सिक्सटी एट यूनिट आठ का स्क्वायर चौंसठ और दो का स्क्वायर चार तो अड़सठ यूनिट तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिगर है दिस इज अक्वायर ठीक है चलो एक बार आप देख लें इसको देख लो कॉपी कर लो जब भी पढ़ाई करें मैथ स्पेशली तो कम से कम पेन और पेपर तो जरूर लेके बैठा करो ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो द्वाइंट ए सिक्स का मा वन बी एट का मू सी नाइन का मा फोर एंड डी सेवन का मी आर दर्टिस रोमबस के वर्टिसेस प्रूव करने को बोल रहा है एंड फाइंड इट्स एरिया इसका एरिया भी फाइंड करना है ठीक है करें तो हम पहले इसको मार्क कर देते हैं भाई ए को बोलो सिक्स का मन बी को बोल दो एट का म टू और सी को बोल दो नाइन का मा फोर और डी है तुम्हारा सेवन का मा थ्री तो अब रोमबस प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे ए बी आएगा बी सी के बी सी आएगा सी ए के ए बी बी सी बी सी आएगा सी डी के और सी डी आएगा तुम्हारा डी ए के इक्वल आएगा बट यहां पर जो डायगोनल है डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए बी डी आना चाहिए ठीक है तभी तुम्हारा क्या होगा एक रोमबस होगा तो किया जाए तो ए भी निकालो छ में से आठ घटाओगे तो माइनस दो आएगा तो माइनस दो का स्क्वायर प्लस एक में से माइनस दो को घटाओगे तो माइनस वन का स्क्वायर बताओ दो का स्क्वायर चार और एक यानी कितना है रूट में पांच यूनिट आया तो सबका रूट में पांच आना चाहिए बीस निकाल लो आठ में से नौ घटाओगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर और देखो दो से इस दो से इस चार को घटाओगे ना तो क्या बनेगा माइनस दो का होल स्क्वायर तो ये भी देखो रूट में कितना आ रहा फाइव यूनिट ही आ रहा है सिमिलरली इस वाले को नौ में से पहले तुमको क्या घटा देना है सात घटाना है तो दो बचेगा और चार में से तीन घटाओगे तो माइनस का एक बचेगा बी के बाद तुम्हारा क्या है सी डी नौ से सात घटाया तो आया दो का स्क्वायर और चार से इस चार से अगर तीन को घटाएंगे तो आएगा बोलो कितना आएगा एक का स्क्वायर तो यहां पर भी बचेगा रूट में पांच यूनिट ठीक है अगला हमको डी ए निकालना है ना डी ए तो डी तुम्हारा सात सात में से छह घटा दो बताओ बचाओ कितना बचेगा एक का स्क्वायर और तीन में से एक घटा दो बताओ कितना बचेगा दो का स्क्वायर ये भी आएगा रूट में फाइव यूनिट एक बार तुम चेक कर लो ऐसे कैलकुलेशन तुमको भी करना है तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी साइड तो इक्वल आ गए लेकिन अभी भी ये गारंटी नहीं दे रहा है कि ये स्क्वायर है कि रोमबस है कि ठीक है क्योंकि दोनों के साइड क्या होता है इक्वल तो रोमबस के लिए हमारा जो इसके डायगोनल होंगे डायगोनल देखो ये जो डायगोनल है ये तुम्हारा क्या होना चाहिए इक्वल नहीं होना चाहिए तो डायगोनल निकाल लेते हैं तो यहां से जब ए निकालोगे देखना हम निकाल रहे हैं डायगोनल एसी बताओ छह में से नौ घटाओ कितना आएगा माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस एक में से चार घटाओगे तो यहां पर भी आएगा माइनस तीन का होल स्क्वायर अब तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ और इस तीन का नौ तो नौ नौ कितना होगा अट्ठारह हो जाएगा रूट में कितना होगा अट्ठारह यूनिट उसी तरीके से अगर बी डी निकालते हो तुम बी डी तो देखना सात में से आठ घटा दो सात में से आठ घटाओगे तो बचाओ क्या बचेगा माइनस एक का होल स्क्वायर चलो ऊपर वाले से यानी हम डी से बी की तरफ जा रहे हैं तो तीन में से दो घटाओगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा एक का स्क्वायर तो यहाँ पर तुम सॉल्व करोगे एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर कितना होगा रूट टू होगा तो हम देख सकते हैं कि जो ए सी है ये रूट में अट्ठारह यूनिट आ रहा है और जो बी डी है रूट में टू यूनिट आ रहा है तो यहाँ पर देखो जो डायगोनल है आपकी इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिगर है ये क्या एक रोमबस है अब रोम्बस का हमको निकालना है भाई साहब एरिया तो रोमबस का जो एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस बोलो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ डी वन इंटू डी टू हाफ इंटू डायगोनल का क्या मल्टीप्लीकेशन तो एक डायगोनल तुम्हारा आया है रूट में अठारह और दूसरा डायगोनल आया है क्या रूट में टू तो अब इसको सॉल्व कर लो एक बटे दो रूट अट्ठारह को क्या लिखोगे देखो दोनों को हम एक रूट में ले लेते हैं इस अट्ठारह को भी और इस दो को भी तो अट्ठारह दूनी छत्तीस हो जाएगा अ अच्छा छत्तीस का स्क्वायर रूट कितना होता अच्छा है छह बटे यानी काट दो कितना आएगा तीन आएगा थ्री स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा एरिया स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं क्योंकि एरिया किसमें आता है स्क्वायर में ही आता है ठीक है आया बात समझ में एक बार आप चेक कर लें हम लोगों ने यहां पर देख भी लिया था देखो डायगोनल रूट टू इसका रूट भी अट्ठारह आ रहा है बाकी साइड तो आपके इक्वल आ ही रहे चलो अगला पॉइंट अगला हमारा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन यूनिट फ्रॉम दाइनस एट तो अगर पे तुमको पॉइंट लेना है तो तुमको पहले ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हम यक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा यक्स का मा जीरो होगा ठीक है पहला बात यही है अब बोल रहा है किस एक्सिस इच ऑफ इज एट डिस्टेंस ऑफ टेन यूनिट फ्रॉम द पॉइंट पॉइंट ए है ग्यारह का माइनस एट और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है दस दिया है ठीक है तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे लगा लो तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो एक माइनस ग्यारह का होल स्क्वायर जीरो माइनस आठ करोगे तो प्लस में आठ हो जाएगा जीरो प्लस आठ का होल स्क्वायर इक्वल टू तो कितना होगा दस का स्क्वायर यहाँ से x माइनस ग्यारह का होल स्क्वायर देखो दस का स्क्वायर सौ और आठ तो का स्क्वायर चौंसठ उसको उधर भेज दो इक्वल टू के तो, 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 तो होगा थीवार माइनस तो 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 का चौंसठ तो सौ में से चौंसठ घटा दो कितना थी आएगा छत्तीस आएगा ठीक है अब अगर x माइनस ग्यारह का स्क्वायर रूट अगर लेते हो छत्तीस का तो क्या होगा प्लस माइनस कितना होगा सिक्स हो जाएगा होगा यानी हमारे पास ऐसे इक्वेशन बने देखा ना तुम लोग एक्स माइनस ग्यारह एक बार प्लस सिक्स के बराबर और एक्स माइनस ग्यारह एक, एक बार माइनस सिक्स के बराबर तो जब यहाँ से निकालोगे तो ग्यारह और छः कितना होगा सत्रह तो एक बैलू आया एक्स का और यहाँ से निकालोगे तो निकालोगे तो ग्यारह उधर प्लस हो जाएगा माइनस छः है तो कितना होगा पाँच होगा यानी हमारा जो पॉइंट होगा एक तो हो जाएगा सत्रह का जीरो और एक हो जाएगा फाइव जीरो तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा चेक कर लें क्वेश्चन में दिया था एक्सिस एक ऐसा पॉइंट बताओ जो पॉइंट ए ग्यारह कमा माइनस एट से दस यूनिट की दूरी पर है तो हमने कुछ नहीं किया सिंपली हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया ठीक है और फार्मूला लगाने पर हमको देखो आंसर ये देखने को मिल रहा है अब यहां पर हमने बेसिकली क्या किया है कि इसको तुम क्या लिख सकते इस्कौर, इस्कौर तो हो छह का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लोगे तो होगा प्लस और माइनस क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी छत्तीस होगा और माइनस सिक्स का स्क्वायर भी छत्तीस होगा ठीक है तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूले की तो देखो सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है मान लो हमारे पास एक लाइन है ठीक है राइट एक लाइन है जिसका देखो ये जो हमारा पॉइंट है ये तुम्हारा ए है और ये वाला पॉइंट बी है अब इसमें सपोज एक पॉइंट पी ऐसा है जो इस लाइन को ला। इंटरनली डिवाइड तो कर रहा है तो इसके लिए सपोज ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वाई वन है और ये जो बी का कोऑर्डिनेट है सपोज क्या है है ठीक है तो हमसे पूछेगा P का कोऑर्डिनेट बताओ तो P के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम मान लेते हैं P का जो हमारा कोऑर्डिनेट है क्या x वाई तो जब तुम x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो देखो क्या करोगे इस m का मल्टीप्लाई इधर कर देना और n का मल्टीप्लाई इधर कर देना और नीचे क्या कर देना है तुमको m प्लस एन कर देना बस सिंपल यही याद रखना है देखो क्या यहां पर हम क्या करेंगे यम एक्स टू प्लस क्या होगा एन एक्स वन अपान में होगा एम प्लस एन देख लो एम का मल्टीप्लाई टू में और एन का मल्टीप्लाई एक्स वन में नीचे लिख देंगे एम प्लस एन अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान में क्या हो जाएगा एम प्लस एन इस वाले को देखो यम को एक्स टू के साथ और एन को यक्स वन के साथ नीचे हमने क्या कर दिया एम प्लस एन जब y निकालना हो तो m को y2 के साथ और n को y1 के साथ नीचे प्लस, अब हम बात कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की तो ये फार्मूला आपको याद रखना इस पर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे अभी अगला जो हमारा है मिड पॉइंट फार्मूला है अभी मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा अभी देखो तुम सेक्शन फार्मूले में क्या निकाले थे यम एक्स टू एक्स वन अपान में क्या था एम प्लस एन और वाई बराबर क्या था एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान में क्या था एम प्लस एन जब ये मिड पॉइंट फार्मूले की बात करेगा तो देखो क्या हो जाएगा कुछ ऐसा यानी इस केस में देखो ये हमारा पॉइंट ए था ए बी और यहाँ पे है पी यानी ए और ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे यानी अगर ये यम है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा यम हो जाएगा यानी इस केस में यम बराबर क्या हो जाएंगे यन हो जाएंगे तभी तो मिड पॉइंट होगा दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो हम ऐसे कर लेते हैं देखो यम यक्स टू यन के जगह पर भी यम रख दो यम एक वन नीचे देखो हो जाएगा यम और एन के जगह पर रिख दो यम तो ऊपर से यम कामन ले लो तो बचेगा एक्स टू प्लस एक्स वन और नीचे यम यम कितना यम टू यम तो यम से यम काट दो तो फार्मूला क्या मिल गया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला और वहीं पर अगर वाई की बात करोगे तो क्या आएगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू तो हम लोगों को याद रखना है मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा एक चीज और बता देते हैं कभी भी देखना यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है हमसे कभी पूछता है रेशियो फाइंड करो ऐसे देखा एक लाइन है तो मान लो ए, ए पी है पी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा बी का भी दिया रहेगा पूछेगा कि ये जो लाइन है ना ये पॉइंट पी है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए तुम क्या लेते हो देखो क्या वन हो? 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 हो।, तो हो, हो जाएगा और इसी यम बटन को हमने के बोल दिया तो शायद तो इसलिए स्कूलों इस में टीचर क्या बोलते हैं जब रेशियो फाइंड करना हो तो क्या लेट कर लिया करो के रेशियो वन ठीक है तो यही है यानी एम बाईन यान को हमने क्या मान लिया के मान लिया क्यों क्योंकि वेरिएबल और दो वेरिएबल हो जाते तो वेरिएबल को हमने कम करके केवल एक वेरिएबल कर लिया ठीक है चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए फोर का मा माइनस थ्री बी नाइन का मा सेवन इन द रेशियो थ्री रेसियो टू तो कुछ सीन ऐसा बन रहा है भाई साहब एक अपने पास लाइन है ठीक है यहां पर एक पॉइंट ए है ए का कोऑर्डिनेट है फोर का माइनस थ्री और देखो बी का कोऑर्डिनेट है नाइन का सेवन और यहाँ पर हम लोग को दिया है एक ठीक है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है मुझे इसको बोल देते हैं एक्स का वाई और ये जो रेशियो दिया है थ्री रेशियो टू दिया है अभी हम लोगों ने फार्मूला बात भी कर लिया था ना तो देखना तुम इस तीन का गुड़ा पहले नौ के साथ करो दो का गुड़ा चार के साथ करो नीचे तीन और दो जोड़ के पांच बना दो तो हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं ठीक है भाई ये वाला फार्मूला ये वाला सेक्शन फार्मूला लगाया जाए चलो तो यहां पर जब यक्स का बात करोगे तो तीन का गुड़ा नौ में तो थ्री इंटू क्या करोगे नाइन दो का गुणा चार में तो दो गुड़े हो जाएगा चार और नीचे तुम्हारा क्या होगा तीन प्लस दो तो नौ तरीक सत्ताईस दो पाँच चारतीस बटे पाँच काटो दो तो कितना आएगा सात आएगा बोलो समझ में आया इतना आगे जब y निकालना होगा तो y देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा तीन का गुणा सात में करो तीन सात इक्कीस दो का गुड़ा कहाँ पे करेंगे देखो तीन का तो सात में दो का गुणा माइनस तीन में तो होगा माइनस का सिक्स होगा और नीचे पांच इक्कीस में से छह घटेगा पंद्रह बटे पांच काटोगे कितना आएगा तीन आएगा यानी इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सात कमा तीन होगा यही आपका क्या होगा आंसर बोलो समझ में आया कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखो पूछ रहा कि तो है कि फाइंड द ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस फाइव का बी आपका क्या है सात कामा माइनस आठ इसको बोल दो एक्स वन वाई वन इसको बोल दो एक्स टू का मा वाई टू मिड पॉइंट फार्मूला एक्स बराबर क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई बराबर क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू तो माइनस पांच प्लस सात बटेद बताओ कितना आएगा y2 कर लो तो चार कामा माइनस आठ बटेदू यानी माइनस चार बाई टू कट करोगे आएगा माइनस टू यानी आपका x और y का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है भाई साहब वन कामा माइनस टू यही आपका क्या है आंसर तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है अब देखो भाई यहां पर पूछ रहा है बढ़िया क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ट्राई सेक्शन समझते हो इसको तीन इक्वल टुकड़ों में क्या कर देना ब्रेक कर देना कि तुम्हारा क्या होगा ट्राई सेक्शन चलो अब सवाल को करते हैं तो अपन पहले तो एक लाइन बना के ये क्वेश्चन समझा देते हैं क्या बोल रहा है ऐसा कुछ है लाइन ठीक है पॉइंट ए है पॉइंट बी है ए का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस फाइव कमा सिक्स और बी का कोऑर्डिनेट है आपका फोर कमा माइनस थ्री देख लो ठीक है अब यहां पर ट्राई सेक्शन मतलब इसको तीन इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है ब्रेक कर देना है और तीनों टुकड़े आपके वन रेशियो वन रेशियो वन में हो जाएंगे बोले इतना समझ में आया सेक्शन मतलब क्या होगा इसको इस, इसको इस अगर लाइन मानते हो तो इसको तीन टुकड़ों में क्या करना ब्रेक कर देना देख लो अब अगर हम इधर से बात करें देखना ठीक है भाई तो ऐसे देखना अगर इसको हम एक अगर सिस्टम माने ना तो फिर क्या होगा टूरसियो वन होगा और इधर से अगर एक सिस्टम माने तो फिर क्या होगा टूरसियो वन ऐसे होगा समझ में आया क्या कर रहे हैं तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं देखना इस वाले को हम ऐसे मान लेते हैं ठीक है और इधर से ऐसे मान लेते हैं आया बात समझ में अब ये जो लाइन है इसको कितना हिस्सा मिल गया बताओ इसको मिल गया दो और इधर मिला है वन देखो इधर से टू रेसि वन इधर हुआ और इधर से देखोगे तो टू ए हो गया और वन ए हो गया ठीक है अब निकाल के दिखाते हैं तुमको जब तुम पी का कोऑर्डिनेट निकालोगे पी का तुम हमने मान लिया एक्स वन कामा वाई वन और क्यू का मान लिया एक्स टू कामा वाई टू तो देखो जब P के लिए यानी x1 निकालोगे x1 तब इधर से देखो ए वाला ये तुम्हारा ये इस वाले सिस्टम को देखो देखो जब पी निकालोगे सिस्टम तुम्हारा ये वाला हो जाएगा एक और दो क्यों क्योंकि यहां से देखो पी है ना तो ए पूरा तुम्हारा कितना होगा दो होगा और इधर कितना होगा एक होगा तो यानी इधर दो का मल्टीप्लाई होगा और इधर एक का मल्टीप्लाई होगा ठीक है देखना इस दो का मल्टीप्लाई हम इस वाले में कर देंगे और एक का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे करें पी का कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताओ दो का मल्टीप्लाई माइनस पांच में होगा तो टू इंटू माइनस फाइव प्लस वन का मल्टीप्लाई किस में होगा चार में तो एक गुड़े कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और अपान में कितना होगा दो और एक तीन तो माइनस दस प्लस चार बटे तीन माइनस छ बटे तीन कट कर दिया कितना आया माइनस का दो आया इतना समझे बहुत बढ़िया अब जब हम y1 निकालेंगे फिर दो का किस में होगा माइनस तीन में इस देखो यहां पर ए वाला है ना आपका दो तो दो का किस में होगा छ में होगा और इस ए का गुणा किस में होगा माइनस तीन में होगा तो हमने मिस्टेक कर दिया ठीक है तो देखो दो का गुणा किस में हो जाएगा तुम्हारा सिक्स में और वन का मल्टीप्लाई होगा माइनस का तीन में और नीचे कितना होगा तीन तो छह दूनी बारह में से तीन घटाओगे माइनस नौ आएगा नहीं प्लस में नौ आएगा अपन तीन तो तीन तरीक का नौ यानी कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है एक बार चेक कर लें आप किस तरीके से हमने सीन बनाया है तुम एक बार देख लो अब जब क्यू की बात करेंगे ठीक है इस वाले क्यू की तब इधर का दो और इधर का क्या मानोगे एक मानोगे ठीक है तो इस वाले को हम क्या करते हैं इरेज कर दिया जाए या रिसाइज कर देते हैं चलो अब हम यहां से निकाल लेते हैं तो यस टू देखो क्या करोगे इस दो का मल्टीप्लाई चार में होगा इस दो का मल्टीप्लाई चार में होगा तो दो चौक कितना होगा आठ और एक का मल्टीप्लाई सॉरी माइनस पांच में होगा और नीचे कितना होगा तीन तो आठ में से पांच जाएगा तीन बटे तीन कट होगा कितना होगा एक आ जाएगा ठीक है भाई और जब तुम वाई टू निकालोगे तो वाई टू देखो दो का गुणा तीन में होगा तो दो गुड़े माइनस तीन और एक का गुणा छः में होगा तो वन इंटू सिक्स और अपान में होगा पाँच तो ऊपर माइनस सिक्स प्लस सिक्स अपन पाँच यानी जीरो बटे पाँच कितना होगा जीरो होगा तो एक हमारा आंसर क्या आया था एक्स वन का मा वाई वन कितना आया था माइनस टू का मा थ्री और एक्स टू का मा वाई टू क्या आया वन का मा जीरो चेक कर लें ए आपका होगा आंसर मिला लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला बार क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी सच दैट ए पी इक्वल टू टू बाई फाइव ए बी तो पहले तो हम सीन समझा देते हैं क्या है देखो ये आपका एक लाइन ए है और यह है बी बीच में होगा तुम्हारा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है एक का दो और बी का कोऑर्डिनेट दिया है सिक्स का सेवन तुमसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ठीक है तो और उसके लिए रेशियो हमको डायरेक्ट नहीं दिया है बट हम निकाल लेंगे देखो दिया है ए पी बराबर दो बटे पांच ए बी दिया है। ठीक है आ रहा बात समझ में यानी यहां पर ए पी एपी AB ए बी का जो रेशियो है कितना है टू बाई फाइव टू रेशियो फाइव है यानी अगर ए पी दो होगा तो पी बी कितना होगा तीन क्योंकि टोटल AP और पी बी मिल के क्या बन रहा है ए बी मिल रहा है तो ए बी कितना है पांच तो ए पी अगर दो है तो पी बी कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है तो अब हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो समझ में आया है पूरा ए भी पांच है और ए पी दो है तो पी भी कितना होगा तीन होगा बोलो यक्स, यक्स वाले के लिए दो का गुणा छह में होगा ना तो दो छह के बार है और इस तीन का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा प्लस का तीन हो जाएगा और नीचे तीन दो पांच तो बारह तीन पंद्रह बाई फाइव कट कर दिया तो कितना आया तीन आया ठीक है थीके? वाई को निकाल लो वाई के लिए दो का गुड़ा सात में तो टू इंटू सेवन और तीन का एक गुड़ा दो में तीन दूनी छः नीचे होगा पांच अरे तीन और दो को जोड़ के पांच कर लेंगे तो सात दूनी चौदह और तीन दूनी छः चौदह छब्बीस बटे पांच डिवाइड कर देंगे आएंगा चार तो अपना जो आंसर निकल के आ रहा है बंधु कितना आ रहा है थ्री का फोर ठीक है चेक कर ले एक बार आप भी हो गया आगे बढ़ा जाए चलो अब हमारा जो क्वेश्चन है रेशियो पूछा है देखो एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज़ द पॉइंट पी टू कमा माइनस फाइव डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए माइनस थ्री कमा फाइव एंड बी फोर कमा माइनस नाइन ठीक है तो इसमें इसी के लिए हमने बोला था रेशियो तुम क्या ले लोगे के रेशियो वन रेशियो वन और के को हमने क्या बोला था यही तुम्हारा क्या होता है एम बाई एन होता है एम बटेन तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को आपको ये अपना लाइन है राइट बाई इसको ए बोल दो इस वाले को बी ए तुम्हारा दिया है माइनस तीन का म पांच और बी कितना दिया है बी दिया है फोर का माइनस नाइन दिया है अब रेशियो तुम ले लो के रेशियो वन और P दिया है कितना टू कमा माइनस फाइव अगर हम x के लिए फार्मूला लिखें जो कि x का वैल्यू यहां पर दिया है कितना दो दिया देखो x हो तो ये क्या है y तो k का गुणा चार में होगा तो k इन फोर और एक का मल्टीप्लाई माइनस में होगा और नीचे क्या हो जाएगा k का वन हो जाएगा कैसे हमने किया देखो इस k का मल्टीप्लाई या चार के साथ एक का मल्टीप्लाई आई माइनस तीन के साथ नीचे क्या होगा k प्लस वन और एक्स का वैल्यू कितना दो एक्स के जगह पे कितना पुट कर देंगे दो रख देंगे ठीक है तो अब यहां पर देखना तुम लोग अभी दो बराबर होगा चार के माइनस तीन अपान में होगा के प्लस का वन हो जाएगा ठीक है भाई तो अब दो के प्लस दो चार के माइनस तीन माइनस तीन वाले इधर भेजोगे पांच आएगा दो के को उधर भेजेंगे तो चार के में से दो के घटेगा तो हो जाएगा दो के यानी टू के बराबर आया पांच तो के बराबर आएगा फाइव तो बाई टू ठीक है और इसी को शायद हमने बोला था है क्या है आपका एम एन है तो यम बैन फाइव बाई टू तो रेशियो आपका क्या फाइव रेशियो टू ठीक है अगर इसको तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई तुमने क्या माना था के रेशियो वन तो इसको क्या बोलोगे बाई टू रेशियो वन, तो दूसरे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो ऐसे देखना इधर तुमको दिखाते हैं शायद दिखाई ना दे रहा हो देखो यहाँ से फाइव बाई टू रेशियो वन है से multiply तो, दो से मल्टीप्लाई कर दो से यहाँ पे दो से यहाँ पे तो दो से दो इधर तक कट जाएगा उधर हो जाएगा फाइव रेशियो टू ठीक है नहीं तो हमने तुमको यहाँ पर बता भी दिया था कि के क्या है आपका फाइव बाई हाँ एम बाई एन ही है तो के का वैल्यू जो आता है वही तुम्हारा क्या होगा रेशियो हो जाएगा तो फाइव रेशियो टू आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लो शायद हमने आपको बताया है हाँ ये वाला देखो एम बाई एन था ना तो एम बाई एन एन कर दिया और इसी को हमने क्या मान लिया के मान लिया तो के रसियो तो जो के का वैल्यू आएगा वही किसके बराबर है तुम्हारा एम बाई एन के बराबर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन किया जाए समझ में आ रहा है देखो अगर कभी भी ठीक है वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाए अभी तो पहुंच नहीं रहा किसी के पास अपने तो दोस्तों में शेयर जरूर करना ठीक है तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि इफ थ्री का मा थ्री सिक्स का मा वाई एक्स का मेवन एंड फाइव का थ्री सिक्स आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही आसान है पहले तो अपन एक पैरेललोग्राम बना ले अब इसमें देखो दिया क्या है इसको तुम ए बोल दो ए आपका बी है ए सी है और ए डी ए दिया है तीन का मीन बी दिया है सिक्स का मां वाई सी दिया है एक्स का मां सात डी दिया है पाँच का मां ठीक है अब हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है तो अब हम यहाँ पर देखो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो भाई ठीक है एक बार वीडियो पॉज करो और लगा लो अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं देखो जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ए वाला इक्वल हो जाएगा ये दोनों ठीक है इनके इनके ए वाला इसको बाइसेकट करेगा ए वाला इसको बाइसेकट करेगा यहाँ पर हम इस पॉइंट ओ मान लेते हैं तो अब इसको माना हमने पॉइंट ओ तो अब यहां से देखो ओ जो है डीबी के लिए डीबी के लिए डीबी के लिए फॉर डीबी, ओ क्या होगा मिड पॉइंट होगा तो ओ का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें किससे? डीबी से ठीक है तो देखना क्या आएगा इसको हम मान लेते हैं एक्स कमा वाई इसका कोऑर्डिनेट तो अगर यक्स निकालोगे डी के लिए तो देखो क्या आएगा पांच प्लस बटे दो आएगा यानी आया ग्यारह बटे दो आया ठीक है और अगर y निकालोगे y मत लो इसको क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया है ठीक है तो इसका कोई एक हम अलग नाम दे देते हैं सपोज ये जो हमारा पॉइंट ओ होगा एक्स वन और वाई वन दे दो तो यहां से जो वाई वन मिलेगा वाई वन इसको जोड़ो छह प्लस वाई बटे क्या आएगा दो आएगा आएगा ना लेकिन अगर इस वाले से ए सी की तरफ से चलोगे तब भी तो मिड पॉइंट आएगा यानी इधर से निकाला हुआ मिड पॉइंट और इधर से निकाला हुआ मिड पॉइंट दोनों क्या होगा बराबर होगा बोलो क्यों क्योंकि वो पॉइंट पे क्या करते हैं करते हैं हैं लोग तो हम एक और तरीके से निकालते हैं किसको एक्स टू सॉरी एक्स वन को किधर से एसी की तरफ से ठीक है और इधर हमने किसके तरफ से निकाला डी बी की तरफ से तो जब ए सी की तरफ से निकालोगे तो देखो थ्री प्लस एक्स बटे क्या आएगा दो आएगा ठीक है और जो वाई वन आएगा ये आएगा तीन प्लस सात बटे दो आएगा यानी सात तीन दस बटे दो यानी कितना आएगा पांच आएगा तो बताओ अगर हम यहां पर ग्यारह बटे दो के जगह पे एक्स वन का वैल्यू रख दे तब कोई दिक्कत थ्री प्लस एक्स बाई टू अब इस दो से दो कट जाएगा अब यहां से अगर सॉल्व करोगे ना तो तीन उधर जाएगा ग्यारह ग्यारह में से तीन घटेगा कितना बचेगा आठ बचेगा तो यानी यहां से यक्स बराबर क्या आएगा आठ आएगा समझे हो और उसी तरीके से अगर y का वैल्यू यहां से पांच आया है तो दो का गुड़ा कर लो छ प्लस वाई बराबर दस और y बराबर कितना आ जाएगा चार आएगा देख लो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार और बताते हैं देखो मिड पॉइंट इधर से निकाला मिड पॉइंट इधर से निकाला और मिड पॉइंट दोनों तरफ से निकालोगे मिड पॉइंट किसका निकाल रहे हो का ही निकाल रहे हो तो इधर से हम का वैल्यू और इधर से सेन के वैल्यू को ना इक्वेट कर दिया तो बराबर आठ आया और यहां से का वैल्यू इस के वैल्यू से इक्वेट कर दिया तो वाई बराबर चार आया ठीक है तो ये आपका क्या था आंसर था आया बात समझ में चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अब क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखो क्या है लेट डी थ्री का माइनस टू माइनस थ्री का मा वन एंड एफ फोर का माइनस थ्री बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवलीफ ट्राइंगल एबीसीड दर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दर्ट सीन क्या है उसको समझते हैं अपने पास एक ट्राइंगल है देखो ए ट्राइंगल है अब इस ट्रायंगल में हम मान लेते हैं ए पॉइंट ए है ए वाला पॉइंट बी और ए पॉइंट है सी अब दिया है कि जो BC का मिड पॉइंट क्या है बीसी का मिड पॉइंट डी है CA का मिड पॉइंट क्या दिया है ई दिया है और AB का मिड पॉइंट क्या दिया है एफ दिया ये क्वेश्चन में दिया है डी का कोऑर्डिनेट देखो कितना है थ्री e का मा माइनस टू ई का कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री का मा वन और एफ का कोऑर्डिनेट है फोर कामा माइनस थ्री तो हमसे पूछा क्या है ए बी सी का कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट को लेट कर लो एक्स वन कामा वाई वन बी वाले को मान लो एक्स टू का मा वाई टू सी वाले को मान लो एक्स थ्री का मा वाई थ्री देख लो ट्राई करोगे ट्राई करना है करो ट्राई कुछ नहीं करना है सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है क्वेश्चन अपना दम तोड़ देगा कैसे चलो दिखाते हैं तुमको अब देखो भाई देखो अब हम एबी के लिए लगाते हैं ना एबी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला देखना फॉर साइड ए बी या पर क्या है मिड पॉइंट है अब यहां से ये चार इसका मिड पॉइंट है तो चार बराबर क्या होगा बोलो x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू क्यों क्योंकि इसका x1 और ये क्या? X2 और इनका मिड पॉइंट कितना है चार है उसी तरीके से अगर हम चाहें ना तो यहां से डायरेक्ट इसको लिख देंगे x1 वन प्लस एक्स टू बराबर चार दूनी आठ इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब अगर हम इधर इसको y1 वन प्लस वाई करेंगे तो देखना क्या मिलेगा y1 वन प्लस वाई डायरेक्ट दो का यहां पर देखो माइनस तीन है दो से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको बोल दो इक्वेशन नंबर टू दो गुड़े माइनस तीन कितना होगा माइनस सिक्स होगा क्यों क्योंकि इसके लिए अपान में टू आएगा और दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ठीक है देख लो यहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू करोगे ना तो यहाँ पर क्या करते वाई वन प्लस वाई टू बाई टू इक्वल टू तो माइनस तीन और दो का गुणा हो जाता माइनस तीन में अब देखो अगर उसी तरीके से तुम यहां से चाहो तो क्या लिख सकते हो टू प्लस एक्स थ्री इस वाले साइड में ठीक है एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या होगा अब 3 है तो तीन में दो से गुड़ा कर दो दो तो क्या हो जाएगा इसको बोल नंबर ठीक है अब एक्स 3 प्लस एक्स कर दो। तो देखो क्या करेंगे एक्स प्लस एक्स बाई टू। और इसका मिड पॉइंट कितना है माइनस तीन है तो माइनस तीन इधर कर दो यानी प्लस एक्स वन बराबर होगा माइनस का सिक्स ठीक है और यहाँ से हम देखो जब एक्स टू प्लस एक्स थ्री लिखी हो ना यहाँ से तो वाई टू प्लस वाई थ्री भी यहाँ से लिख सकते हो वाई टू प्लस वाई थ्री और माइनस टू है तो माइनस टू का होगा माइनस फोर इसको इक्वेशन नंबर चार और इसको इक्वेशन नंबर पाँच बना लो और इसके लिए y3 थ्री प्लस वाई बराबर कितना होगा बोलो यहाँ पर देख लो इधर एक है तो एक में दो से गुड़ा कर लोगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधा टू हो जाएगा इसको बोल दी इक्वेशन नंबर सिक्स अब अपने पास इक्वेशन के तैयार हो गए हैं चलो सबको एक जगह लिख देते हैं वन प्लस एक्स टू बराबर क्या दिया है हमने क्या लाया है एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर आठ टू प्लस एक्स थ्री बराबर कितना आया है आया है ठीक है और इधर से देखो क्या आया एक्स थ्री प्लस एक्स वन बराबर माइनस का सिक्स आया इन एक वाले सारी क्वेश्चन को ऐड कर दो तो देखो x1 वन कितना बार दो बार x2 टू एक्स टू दो बार x3 थ्री एक्स थ्री दो बार तो यहाँ से हमको मिलेगा टू टाइम्स x1 वन प्लस एक टू प्लस एक्स थ्री देखो छः से छः कट जाएगा बच जाएगा कितना आठ इसको इसको काट दो तो काट तो मिलेगा प्लस टू प्लस याँ याँ कितना मिला चार मिला अब यहां पर प्लस टू का वैल्यू देखो आठ दिया है ना देखो यहां से वैल्यू कितना दिया है आठ दिया इस वाली क्वेश्चन में देखो तो यहां से अगर आठ रखोगे तो आठ प्लस एक्स थ्री बराबर चार तो दिस इंप्लाई एक्स थ्री इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस का चार तो एक्स थ्री तुम्हारा कितना मिल गया माइनस फोर मिला ठीक है आगे बढ़े उसी प्रकार से अगर देखो वाई टू प्लस वाई थ्री वाई टू प्लस सॉरी एक्स टू है एक्स टू प्लस एक्स थ्री का वैल्यू कितना दिया छ दिया है ना तो छह रखते तो यहां से एक्स वन का वैल्यू छता तो चार में से छह घटेता कितना बचता माइनस का दो बच जाता ठीक है और अगर हम यहाँ परस वन प्लस एक्स थ्री एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस छः है तो यहाँ पर एक्स टू का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस छः उधर जाएगा तो प्लस छः और चार कितना होगा दस होगा आप एक बार इनकी क्वेश्चन को यहाँ पर देख लो ठीक है रिलेट करके देख सकते हो तो हम हम कर क्या रहे हैं देखो पहले इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया एक्स वन वाले को अब यहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू का वैल्यू आठ है ना तो यहाँ से आठ रख दिया तो इधर जाएगा तो आठ में से चार घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का चार एक्स टू प्लस एक्स थ्री एक्स टू प्लस एक्स छः दिया है ना तो छह को उधर भेजा तो माइनस टू आ गया एक्स थ्री प्लस एक्स वन एक्स थ्री प्लस एक्स वन का वैल्यू कितना दिया माइनस उधर जाएगा तो प्लस में छ होके कितना बन जाएगा दस बन जाएगा तो एक्स टू दस एक्स वन माइनस टू और एक्स थ्री आया माइनस का फोर आया अब हमको निकाल लेना है किसका वाई वन वाई टू वाई थ्री का तभी तो आंसर आएगा तो वाई वन वाला इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं देखो वाई वन का बना है ये ये बना है वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू तो माइनस सिक्स वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू तो माइनस का सिक्स ठीक है और एक आपके पास है वाई थ्री प्लस वाई वन वाई थ्री प्लस वाई वन बराबर कितना आया है टू आया है और एक आपको पास यहाँ पे मिला है y2 टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू माइनस फोर वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू माइनस का फोर अब हम क्या करेंगे सारे इक्वेशन को ऐड करोगे ना तो टू टू टाइम्स y1 आ जाएगा टू टाइम्स y2 आ जाएगा टू टाइम्स y3 आ जाएगा माइनस छः माइनस चार माइनस दस और प्लस दो घटा तो माइनस आठ आएगा यानी y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बराबर कितना आएगा माइनस चार दो से भाग हो जाएगा अब सवाल में देखो वाई वन प्लस वाई टू वाई वन प्लस वाई टू का वैल्यू माइनस सिक्स है ना तो यहाँ पर माइनस छः रखो प्लस वाई थ्री बराबर माइनस चार तो वाई थ्री बराबर कितना आएगा दो आ जाएगा ठीक है वाई थ्री पर कितना आएगा दो आ जाएगा चलो अब अगर हम यहाँ पर क्या करें वाई थ्री प्लस वाई वन पुट कर दें वाई थ्री प्लस वाई वन दो दिया है तो वाई टू कितना मिलेगा दो उधर भेजोगे प्लस दो तो माइनस दो हो जाएगा माइनस दो माइनस चार कितना होगा माइनस छः हो जाएगा और अगर एक और वाई टू प्लस वाई थ्री अगर ऐड माइनस चार है ना तो कट के जीरो तो जीरो आ जाएगा ठीक है तो हमारे क्वारिनेट क्या होंगे फाइनली देखो एक्स वन का मा वाई वन एक्स टू का मा वाई टू एक्स थ्री का मा वाई थ्री अभी तो हमारा इधर देखो वाई वन जीरो आया ना तो वाई वन जीरोस टू इधर निकाले हम लोग कितना आया है एक्स टू एक्स टू नहीं वन वेर वन ठीक है माइनस टू आया है हो गया माइनस टू बोलो एक्स टू कितना आया अपना इधर टेन आया है और वाई टू आया माइनस का सिक्स आया है यक्स थ्री कितना आया है यक्स थ्री कहाँ पे है हाँ यहाँ पे एक्स थ्री आया है माइनस चार तो वाई थ्री तुम कितना निकाले हो टू निकाले हो ठीक है तो ए हमारा क्या होगा आंसर होगा एक बार आप देख लें इसको कॉपी भी कर लें तो ए था हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह ठीक है भाई तो जिसमें हमारा ए का कोऑर्डिनेट आया माइनस टू कामा जीरो और बी का आया टेन कामा और सी का आया माइनस तो अगर आपने इस सेशन को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बड़ा थैंक्स तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको जिस भी चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए आप कमेंट करें उसका वन शॉट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय